नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, कर खाने से तजन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बनाएंगे अलग अंदाज में मसालेदार सोयाबीन की स्मोकी फ्लेवर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी। और अगर आपने इसे एक बार इस तरीके से बना के खा लिया, और जब भी आप इसे दोबारा बनाएंगे, आप बनाएंगे ज़रूर दोबारा, और जब भी बनाएंगे तो हमेशा एक्स्ट्रा रोटी बनाकर रखेंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार लगती है कि आप इसमें कितनी रोटी खा गए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शानदार सोयाबीन बड़ी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर ले ली एक कढ़ाई, ये लोहे की कढ़ाई है। आप चाहे तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं, लेकिन लोहे की कढ़ाई में खाने का जो टेस्ट होता है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने इसमें डाल दी सिर्फ 2 चम्मच। हम पहले सरसों का तेल डालेंगे इसमें। आप इसमें कोई सा भी खाने का तेल यूज़ कर सकते हैं। तेल को गर्म कर लेंगे, तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस की आँच को कम कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे ये सोयाबीन की बड़िया, ये करीब 100 ग्राम सोयाबीन की बड़ी है, और इसे हमने अभी धोया नहीं है। तो इसको हम इसमें डाल के इसको लगातार चलाते हुए हम इसको हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे। डिपेंड करता है आप में कि आपको कितनी करारी बड़ी चाहिए। आपको ज़्यादा करारी चाहिए तो इसे थोड़ा सा और भून लें। तो इसे हम हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे चारों तरफ से। सोयाबीन में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और भी बहुत सारे अन्य पोषक तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए हमें सोयाबीन की बड़ी ज़रूर खानी चाहिए। सोयाबीन तो आप कैसे भी किसी भी अंदाज में इसको बना लो, किसी भी तरीके से सोयाबीन की बड़ी तो अच्छी लगती है और सबको पसंद भी बहुत आती है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो सोयाबीन की बड़ी है ये हमारी भुन गई है, चारों तरफ से क्रिस्पी भी हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब हम इसे 2 से 3 बार पानी से धो लेंगे। तो यहाँ पर हमने बड़ी को प्लेट में रख लिया, और अब इसे हम किसी बर्तन में रख के इसको 2 से 3 बार धो लेंगे अच्छे से, ताकि जो इसका सारा तेल है वो निकल जाए, क्योंकि तेल तो वैसे भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, फिर सब्जी बनाते वक्त भी तेल जाएगा। और जो स्मोकी फ्लेवर था उसमें आ गया है, इसलिए हमें इसे भूना था तेल में। तो इसको हमने गर्म पानी से हम इसे धो रहे हैं। तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं कलछी की हेल्प से। बड़ी को 2 बार धोने के बाद अब हम एक पतीला लेंगे, और इसमें हम इस बड़ी को डाल देंगे, और ऊपर से हम इस पर गर्म पानी डाल देंगे, और ढक कर साइड में रख देंगे 5 मिनट के लिए। इससे क्या होगी, बड़ी जो है फूल जाएगी। तो इसको हम साइड में रख देते हैं भीगने के लिए। 5 मिनट बड़ी फूल जाएगी, ठीक है। तो जब तक ये भीग रही तब तक मसाला तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने ले ली एक मिक्सर जार, और इसमें हमने डाल दिए 2 मीडियम साइज़ कटे हुए प्याज, और साथ में इसमें डाल रहे हैं अदरक का एक टुकड़ा जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिए। साथ में हमने डाल दिया यहाँ पे 10 से 12 करीब लहसुन की कलियाँ, और अब हम इसको पीस लेंगे। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्याज में भी रस होता है तो उसी में पीस जाएगा। और अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लहसुन, प्याज और अदरक को पीस लिया है, और अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। जब तक हमने यहाँ पर लहसुन प्याज का पेस्ट बनाया, तब तक हमारी यहाँ पर बढ़िया भीग गई है, ये देखिए। और अब हम इसका जो पानी है उसको निकाल के अलग कर देंगे। बड़ी को निचोड़ के अच्छे से प्लेट में रख देंगे। तो बड़ियों को अच्छे से निचोड़ के हमने प्लेट में रख दिया है। और अब हम लेंगे वही सेम लोहे की कढ़ाई ले रहे हैं, और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून सरसों का तेल ले रहे हैं हम। सरसों के तेल में जो सब्जी बनती है उसका जो टेस्ट होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप वैसे तो कोई सा भी तेल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सरसों में बनी सब्जी जो होती है बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। बस हमें इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि तेल को हमें अच्छे से पकाना होता है। अगर तेल कच्चा रह गया तो जो सब्जी का टेस्ट है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा, मतलब स्वाद नहीं आएगा आपको खाने में। तो इसलिए सरसों के तेल को पकाना बहुत ज़रूरी होता है अच्छे से। जब सरसों के तेल में से धुआं आने लग जाए अच्छे से, और उसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए, और कच्चेपन की स्मेल भी ना आए, तो इसका मतलब जो है तेल हमारा पक गया है। तो कलर हमारा चेंज हो गया है और धुआं भी तेल ने छोड़ दिया, तो गैस की आँच को कम कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 4 से 5 करीब हमने इसमें तेज पत्ते डाल दिए, और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 4 से 5 करीब सूखी लाल मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग, और कुछ सेकंड्स भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच साबुत जीरा, और इसको भी हम कुछ सेकंड्स भून लेंगे। तो जीरा हमारा है अच्छे से भून गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज बारीक कटे प्याज, और इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। अच्छा गोल्डन होने तक हम इसे भूनेंगे। जब प्याज आपको करारा सा दिखने लग जाए और तेल छोड़ दे प्याज, तो इसका मतलब जो प्याज है वो अच्छे से भून गया है। प्याज को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे अच्छे से नहीं भूनेंगे तो प्याज का कच्चापन का टेस्ट आ जाएगा पूरी सब्जी में, और सब्जी बेस्वाद लगेगी। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो प्याज है बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो गया है प्याज, और प्याज ने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और प्याज का पेस्ट। इसको भी हम लगातार चलाते हुए 3 मिनट तक, करीब 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से, जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। मसालों को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि मसाला जितना अच्छे से भुनेगा उतनी सब्जी अच्छी टेस्टी बनेगी। बस जलना नहीं चाहिए, अच्छे से भुनना चाहिए जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे जो अदरक लहसुन प्याज का जो पेस्ट है सारे मसाले में अच्छे से भून गए, कलर देखिए चेंज हो गया और इसने मसालों ने तेल भी छोड़ दिया। तो इसका मतलब हमारा मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत सुंदर खुशबू आ रही मसाले की। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 मीडियम साइज टमाटर का पेस्ट। ये लाल रंग के जो पके हुए टमाटर होते हैं वो है, ज़्यादा खट्टी नहीं बनती इससे सब्जी और कलर भी बहुत अच्छा आता है साथ में इसमें। तो इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 2 बारीक कटी हरी मिर्च और अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच करीब नमक स्वाद अनुसार डालें और अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच करीब गरम मसाला पाउडर और अब इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच करीब हल्दी पाउडर और अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं 1/4 चम्मच करीब दालचीनी पाउडर और थोड़ा सा हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च पाउडर और अब इसमें डालें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर। और अब इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और मसाला अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाला हमारा अच्छे से भुन जाए। तो अब हम इसे ढक देंगे 2 मिनट तक और इसको मसालों को भुनने देंगे अच्छे से, बीच में एक दो बार चेक कर लें। तो 2 मिनट हो गए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा जो मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला अच्छे से भुन गया है और कलर भी बहुत अच्छा आया है और साथ में खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है सभी मसालों की। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये सोयाबीन, भुनी हुई सोयाबीन जो है वो इसमें डाल देंगे और मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो मसाला है बड़ी में चारों तरफ से अच्छे से कोट हो जाए। और अब हम इसे ढककर मसालों में अच्छे से भुनने के लिए छोड़ देंगे 2 मिनट तक, एक दो बार बीच में चेक भी कर लें। तो 2 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी जो बड़ी वो अच्छे से भुन गई है क्योंकि हमने इसमें भीगी हुई बड़ी डाली थी तो इसने इसमें थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, हम इसमें डाल रहे हैं, पानी थोड़ा कम लग रहा है तो 1/2 कप और डाल देते हैं। तो इसमें हमने टोटल 1 कप पानी डाला है थोड़ा सा। अगर आपको सब्जी गाढ़ी चाहिए तो आप इसमें पानी ना डालें और अगर आपको थोड़ा सा इसमें तरी चाहिए तो आप इसमें पानी डाल दें। तो पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो आप इसे ढक देंगे और 10 मिनट तक पकने लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में एक दो बार सब्जी को चेक भी कर लें। तो यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं, सब्जी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स सब्जी हमारी जो है बनकर तैयार है और कलर देखिए आप कितना प्यारा आया कलर और दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है, टेक्सचर देखिए सब्जी का। तो फ्रेंड्स सब्जी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। गैस को हमने बंद कर दिया है तो अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स देख के तो आप समझ गए होंगे, अंदाज़ा आपने लगा ही लिया होगा कि सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनी होगी। और फ्रेंड्स जब आप इस सब्ज़ी को खाएंगे तो आपको एक स्मोकी फ्लेवर मिलेगा जो कि इस सब्ज़ी के टेस्ट को और बढ़ाता है। तो आप इसे रोटी, नान, चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सभी के साथ ये सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी, अगर रेसिपी अच्छी लगी है, वीडियो ज़रा सी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल घर का खाना सेहत सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो घंटी का बटन उसे बजा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बने और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार, टेक केयर एंड बाय।